Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of from ID planet Mars, it problem in trigonometry ki Gregory series chapter se. If x lies between pi by 4 and 3 pi by 4, prove that x is equal to pi by 2 minus cot x plus 1 by 3 cot cube x minus 1 by 5 cot to the power 5 x plus and so on to infinity. तो इसको हमें अगर प्रूव करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जो टर्म है पाई बाई फोर टू के बाद में उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएं और ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे और जब इस टर्म को एक्स को ले जाएंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा लेकिन हम इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं यानी एक्स को ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यानी हम जो प्रूव करना है इतना इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं यानी कह सकते हैं हम वी हैव टू प्रूव यानी अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा वी हैव टू प्रूव इतना प्रूव कर लें या हम इसको कुछ टर्म को ट्रांसपोज करके इतना भी प्रूव कर सकते हैं एक्स को ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू और इन सारे टर्म को जब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ये जो पाई बाई टू के साथ में अभी थे तो ये निगेटिव था लेकिन अब दूसरी साइड जा रहा है पाई बाई फोर के दूसरी साइड इक्वल साइड के दूसरी साइड जा रहा है भले ही हम इसको हम जो राइट था तो राइट में लिखा हुआ दिखा रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में लेफ्ट में पहुंचा हुआ है और पूरे लेफ्ट को हमने राइट में लिख रहे हैं अब तो ये साइन चेंज हो जाएगा उस तरफ जाने पर यानी कॉट एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री कॉट क्यूब एक्स और ये प्लस का वन बाई फाइव कॉट द पावर फाइव एक्स माइनस एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमको अब ये प्रूव करना पड़ेगा अब इसमें हमको x की जो वैल्यू दे रखी है वो ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं लग पाएगी और इसमें 10 भी होता है फिलहाल अब हमें क्या करना है इसको कुछ मान लेना है मान लेते हैं कि पाई बाई टू माइनस एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है अब इसने मानने के बाद इसको चेक करें कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी जब x की वैल्यू जो गिवन है एक्स की वैल्यू वैन एक्स की वैल्यू थ्री यानी पाई बाई फोर दे रखी इतनी होगी तब देखें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी वी हैव थीटा इज इक्वल टू इस वैल्यू में पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू ये है पाई बाई टू माइनस एक्स है तो पाई बाई टू एक्स की यहाँ पाई बाई फोर रखेंगे तो सॉल्व करने पर फोर एलसीएम होगा तो टू पाई माइनस का पाई बन जाएगा यानी पाई बाई फोर हो जाएगा तब थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर हमको मिलेगी अब जब हम इसमें वैल्यू एक्स की दूसरी वैल्यू रखी है एक्स की वैल्यू जब थ्री पाई बाई फोर होगी तब देखिए वी हैव थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो इसी वैल्यू में पुट करेंगे यानी पाई बाई टू माइनस एक्स में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जब थ्री बाई पाई बाई फोर रखेंगे फोर एलसीएम होगा तो टू पाई माइनस का थ्री पाई और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू हमको सॉरी एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो चेंज होगी इफ़ एक्स चेंज होगा यहाँ पर बताया गया था पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर के बीच में तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा हमारा जो थीटा होगा वो चेंज होगा माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर के बीच में चेंज होगा तो जैसे जैसे इनके बीच में अगर रहेगी वैल्यू इक्वल ये सिर्फ लेस देन का साइन लगाना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लेस देन लगा इक्वल नहीं लगा तो यहाँ पर हम भी इक्वल नहीं लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू इन वैल्यूज़ के बीच में चेंज हो रही है और इस तरीके से ये कंडीशन जो होती है ग्रेगरी सीरीज़ की वो सेटिस्फाई होगी थीटा के लिए देयरफॉर फॉर थीटा द कंडीशन ऑफ ग्रेगरी सीरीज ग्रेगरीज सीरीज आर सेटिस्फाई ये की कंडीशन है सेटिस्फाई ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम ग्रेगरी सीरीज अप्लाई कर देंगे तो अप्लाइंग ग्रेगरी सीरीज फॉर थीटा अप्लाइंग ग्रेगरी सीरीज फॉर थीटा तो उसके लिए हम लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में थीटा होगा और राइट हैंड साइड में टेन थीटा माइनस वन अपॉन थ्री टेन क्यूब थीटा और प्लस वन बाई फाइव टेन टू द पावर फाइव थीटा माइनस एंड सो ऑन टू नंबर ऑफ टाइम इन्फिनिटी अब थीटा की जो वैल्यू हम यहाँ पर मानी थी वो पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू है पाई बाई
पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि ये वैल्यू रखना पड़ेगी इसलिए क्योंकि ये थीटा हमारी तरफ से माना हुआ था, जो क्वेश्चन था वो एक्स की फार्म में था, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन, जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स जो इसकी थीटा की वैल्यू है वो वापस करना पड़ेगी, क्योंकि थीटा अपनी तरफ से माना हुआ था। प्रॉब्लम जो थी वो एक्स की फार्म में थी, तो हमें एक्स की फार्म में पूरे इक्वेशन को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाई टू जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस एंड सो ऑन, यहाँ पर माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, जहाँ पर भी जीता था वहाँ पर हमने इसे में रख दिया। और हम लोग जानते हैं ये आइडेंटिटी को कि पाई बाई टू माइनस का ए जो होता है कॉट ए के इक्वल होता है, इसलिए इस आइडेंटिटी को हर एक टर्म में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही कोई चेंज नहीं, वही रहेगा, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स के इक्वल, राइट हैंड साइड में जो था टर्म टेन पाई बाई टू माइनस एक्स वो कॉट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर अगला टर्म है वन बाई थ्री टेन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स है, ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी इस आइडेंटिटी से जो अभी लिखी थी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला टर्म भी हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस वन बाई फाइव कॉट की पावर फाइव एक्स माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, हमको यही प्रूव करना था। देखिए जो बताया था वी हैव टू प्रूव दैट, इतना प्रूव करना था जो कि आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.